was yours, you were mine. Hi everyone, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope all feeling fine. So, आज की वीडियो होने वाली है Amazon पार्टी वेयर हील्स हॉल. सो मैंने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई भी फुटवेयर हॉल नहीं किया है एंड मुझे भी ना अपना थोड़ा सा हील कलेक्शन थोड़ा सा रिवैम्प करना था. तो मैंने सोचा इट्स द बेस्ट टाइम टू शेयर सम ब्यूटिफुल ट्रेंडिंग हील्स विद यू बट ऑन द अफोर्डेबल साइड. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट ट्रेंडिंग हील्स ऑफ दिस सीजन एंड दैट आर दीज ब्यूटिफुल ट्रांसपेरेंट हील्स. तो ये जारा की एक्चुअली एक हील्स थी, जारा ने लॉन्च करी थी. तो उसका ड्यूप ये सब ने लॉन्च कर दिया. जारा की तो आई थिंक काफी अच्छे प्राइस की थी, ये काफी सस्ते में है. सो दिस इज हाउ द हील्स लुक लाइक गाइज. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड JM लुक्स विच इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑन Amazon. सो ये इस तरीके की ये हील दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइज. सो इसका जो यूएसपी जो हाईलाइट है वो ये है कि इसके यहाँ पे आप देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट है पूरा यहाँ से एंड इसके सामने की तरफ बहुत ही सुंदर सा ये वाला इस तरीके का एक ब्रोच टाइप का इन्होंने लगाया विच इज सुपर डुपर डुपर प्रिटी. इसके ऊपर स्टोन्स हैं डिफरेंट. इसका जो बेस है इन्होंने ब्राउन कलर का रखा है एंड थोड़ा सा सॉफ्ट बेस है. साथ में पीछे ये इलास्टिक है. ये आई विश ये पीछे इलास्टिक ना होता तो थोड़ा ज्यादा ये आई थिंक कम्फर्टेबल होता. इसमें ना अलग अलग कलर्स आते हैं, मतलब जो नीचे का ये जो सिल्वर है इसको आप गोल्डन भी ले सकते हो, रोज गोल्ड भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो. मैंने सिल्वर लिया है बिकॉज मेरे पास सिल्वर कोई हील नहीं है. सो ये अच्छी रहेगी काफी. सो इस तरीके का गाइज इसका ये सिल्वर है नीचे से एंड इसकी जो हील है वो ब्लॉक हील नहीं है, वो थोड़ी सी पेंसिल है बट यहाँ नीचे से ना मोटी हो रही है. तो क्या है कि उसकी वजह से पहनने में थोड़ी सी ग्रिप अच्छी आती है. सो ये दोनों पैर है इसके. दिस इज हाउ दिस हील लुक्स लाइक एंड इट्स सुपर प्रिटी गाइज, वेरी वेरी प्रिटी. मतलब दिस इज द काइंड ऑफ हील दैट विल गो विथ लिटरली एवरीथिंग एंड एनीथिंग. आप इसको किसी भी चीज के साथ पहनो एंड आई थिंक इट्स गोना लुक ब्यूटिफुल. यू कैन वेयर दिस विद वेस्टर्न वेयर, यू कैन वेयर दिस विद इंडियन वेयर एंड बिकॉज ट्रांसपेरेंट है एंड थोड़ा सा ऐसे ग्लिटरी सा लुक है ना, तो बहुत ही ऐसे एक अटेंशन सीक करता है बट लुक्स वेरी प्रिटी. सो मुझे तो ये हील बहुत सुंदर लगी. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल. इसका प्राइस गाइस काफी अफोर्डेबल था. आई गॉट दिस फॉर 699 रुपीज और 799 रुपीज. मैंने साइज लिया है 36. मुझे 36 ही आता है, जो कुछ ब्रांड्स में कभी 3 नंबर होता है, कुछ ब्रांड्स में कभी 4 नंबर होता है, बट 36 फिट्स मी जस्ट परफेक्टली. ये जो हील है ये वाली पेंसिल, ये सुपर कंफर्टेबल नहीं होती है गाइज बट मुझे ओके कंफर्ट में लगी है, बाकी स्टाइल में तो अच्छी है ही. द नेक्स्ट हील दैट आई गॉट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड JM लुक्स एंड दिस इज हाउ दिस हील लुक्स लाइक. सो गाइज दिस इज हाउ द हील लुक्स लाइक. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड कलर हील. सो आप देख सकते हो इसका नीचे न्यूड है, पेंसिल हील है एंड ये ऊपर भी न्यूड बेस है एंड ऊपर ट्रांसपेरेंट है एंड ऊपर ये बहुत ही सुंदर सा ये जो फैब्रिक है ये सिलिकॉन है एंड इसके ऊपर ये सिलिकॉन फैब्रिक के राइनस्टोन का बो बना हुआ है. सो ये पूरे राइनस्टोन्स है. सो जस्ट लुक एट दैट, हाउ ग्लिटरी दैट इज. इट्स वेरी प्रिटी. मतलब दीज आर द काइंड ऑफ हील्स जो आप फोटोज में देखते हो ना आप इंटरेस्ट वगैरह में, और कितनी सुंदर लगती है और पैर में पहनने में भी इतनी सुंदर लगती है. एंड आप देखो सामने से ये पहन के इट्स लुकिंग सो प्रिटी. दे आर वेरी वेरी प्रिटी हील्स, वेरी वर्सेटाइल हील्स. यू कैन वेयर देम विद सो मेनी थिंग्स. सो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही क्यूट है. इसका साइज मैंने लिया है 36 एंड विच फिट्स मी जस्ट परफेक्टली फाइन. इसका जो नीचे है यहाँ पे पैडिंग हो रखी है आप देखो, सो कम्फर्ट भी है ऊपर यहाँ पे ये दिया हुआ ना कि थोड़ा सा ग्रिप आ जाए आपके पैर की. अब इसकी जो हील है ना, मैंने इसको पहना थोड़ी देर चला तो आई विल से कि देखो स्टाइल के हिसाब से तो इसको 10/10 मिलेगा बिकॉज बहुत सुंदर है स्टाइल के हिसाब से. हील भी बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, सो कंफर्टेबल रहोगे उस हिसाब से. बट बिकॉज पेंसिल हील है ना तो थोड़ा सा ऐसे डगमगाता है इसमें पैर. उसके अलावा मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत अच्छा स्टाइल है, न्यूड सा कलर है. सो ये तो न्यूड है मतलब कि, तो ये सबके साथ जाएगा, आप लिटरली इसको किसी के साथ भी पहन सकते हो.
दोनों पहन के भी अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल है बट थोड़ी सी हील डगमगाती है। इसका प्राइस भी गाइस ऐसी था 699, 799, सबके प्राइसेस ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, अफोर्डेबल साइड पे थे सारे। नेक्स्ट पेयर ऑफ हील दैट आई गॉट इज दिस वन, सो दिस इज हाउ दिस हील लुक्स लाइक। सो ये वाली हील ना काफी गाइस पॉपुलर हुई है, ये बो वाली जो हील्स है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इस तरीके की गाइस इसकी हील है, पूरी प्रॉपर पेंसिल लगी है ये, इसको स्टिलेटो कहते हैं शायद, आई थिंक इस वाली हील्स को। तो इसके नीचे थोड़ा सा जो बेस रहता है ना, तो थोड़ी सी ग्रिप बेटर हो जाती है इसकी। सो इस तरीके की ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बोज बने हुए हैं, बड़े क्यूट क्यूट सा बो है यहाँ पे, एंड बो की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग सी है जो आपके पैर को ग्रिप करती है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है आप देखो दोनों साइड से, यहाँ पे भी पैडिंग है, यहाँ पे नीचे ये वेलवेट नहीं है, थोड़ा सा मोटा सा कुछ कपड़ा है। पहन के बहुत अच्छी लग रही है ये, थोड़ी सी जितनी भी हील्स मैंने ली है ना, दे आर काइंड ऑफ स्टेटमेंट हील्स, मतलब अगर आप इनको पहनोगे तो आप सबका ध्यान जो है वो आपके पैरों की तरफ जरूर जाएगा। दे डेफिनेटली लीव अ स्टेटमेंट एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल वेन यू वेयर देम, सो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। प्राइस इसका सुपर अफोर्डेबल था गाइस, इसका प्राइस था 500 कुछ रुपए। अब स्टाइल के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तो सबके हिसाब से काफी अच्छी है, बट कंफर्ट के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। ये मतलब उन हील्स में से कि जैसे अगर आपने बस कहीं जाना है और बस बैठ जाना है तो पहन लो, फोटो वोटो खिंचवा लो, लेकिन कंफर्ट में डेफिनेटली अच्छी नहीं है, पैर दर्द होता है गाइस इसमें, और थोड़ी सी डगमगाती भी है ये। 500 रुपए के हिसाब से सही है। बाकी इसमें और कलर्स भी थे, इसमें एक बगंडी सा वाइन कलर था, पिंक कलर था, और भी ब्राइट पिंक कलर था। सो इफ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर फोटोज एंड यू नो फॉर बर्थडे, बट लेकिन ज्यादा आपको चलना नहीं, ज्यादा वॉक नहीं करना, और कंफर्ट आपकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, और आपको सस्ते में कुछ लेना है, तो आप ये ले सकते हो, बिकॉज एक स्टाइलिश, एक स्टेटमेंट सा पीस है ये, और ऐसे चीप नहीं लग रहा है पहन के। द नेक्स्ट हील दैट आई गॉट व्हिच आई थिंक इज अ न्यू डिजाइन इज दिस वन, सो दिस इज गाइस सुपर प्रिटी, लुक एट दिस वन, दिस इज सो प्रिटी यू गाइस। बट इन्होंने मुझे गाइस गलत साइज भेज दिया, आप देख ही सकते हो कि मेरा साइज है 36, इन्होंने भेज दिया 40, सो इन्होंने गलत साइज भेज दिया, तो ये तो रिटर्न जाने वाली है। बाकी ये हील देखो आप कितनी सुंदर है गाइस, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड जिन लुक्स, JM लुक्स। सो इस तरीके का गाइज ये है, पूरा ऊपर प्लास्टिक ऐसे, ये आगे से शार्प वाली इसकी हील है, एंड इसके आगे गाइज इन्होंने होलोग्राफिक राइनस्टोन्स लगाए हुए, आप देखो इनमें होलोग्राफिक शाइन है, इट्स सो प्रिटी गाइज। इसका नीचे जो बेस है वैसे गोल्डन कलर का है, यहाँ पे अलग अलग था, मतलब ये गोल्डन भी आप ले सकते हो, ये सिल्वर, रोज गोल्ड, मैंने गोल्डन लिया है। सो इसका भी थोड़ा सा कुशनिंग है, एंड यहां से आप देख सकते हो ये इसको यहाँ पे आपको ग्रिप करने में हेल्प करेगा। बाकी ये भी है, इसका थोड़ा सा हील भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट नाइस, एंड इसका जो हील भी है वो सही है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रिप भी है, बट बिकॉज इन्होंने मुझे मेरा सही साइज नहीं भेजा है, तो मैं सही से बता नहीं सकती आपको कि ये कितना मतलब कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज पहनने पे मुझे साइज सही नहीं आ रहा ना इसका। बाकी उसके अलावा आप देखो इट्स वेरी प्रिटी, और ये बहुत सुंदर है, मतलब कि जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं पहनना, जैसे जिनको ये थोड़ा सा ओवर टॉप लगता है, तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए, बिकॉज इतना गाइज ये रात को अगर आप पहनोगे ना, इट्स गोना लुक माइंड ब्लोइंग, इट्स सो प्रिटी गाइज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इसको देख के ना पैरों पे आपके ध्यान जाएगा, आपके पैर भी इतने सुंदर और पतले से और एलिगेंट लगेंगे। प्राइस इसका था गाइज 799 रुपीज या ऐसे कुछ था, और इन्होंने मुझे साइज गलत भेज दिया है, सो ये तो रिटर्न जाने वाला है, बट अदर देन दैट आई लव्ड द हील। सो गाइज द नेक्स्ट हील दैट आई गॉट इज दिस वन, आप देखो ये भी कितनी सुंदर लग रही है गाइज। सो एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, जितनी भी हील्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो कम्फर्ट के लिए नहीं है गाइज, वो स्टाइल के लिए है, पार्टी वेयर हील्स है, स्टेटमेंट हील्स है, बट सस्ते में है, तो आप उनसे बहुत ज्यादा कंफर्ट ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट हाँ स्टाइल और स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस हील लुक्स लाइक, ये भी लैवेंडर कलर की गाइज बहुत ही सुंदर सी हील है, एंड इसके ऊपर पूरे देखो यहाँ पे राइनस्टोन्स लगे हैं। ये वाली जो हील्स होती है जिनके ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं, इनकी ग्रिप काफी अच्छी होती है, सो ये पहनने में काफी अच्छी ग्रिप आ रही है। इसकी थोड़ी सी जो हील है ना वो बाकी सालों से ज्यादा है,
बट अच्छी है, कंफर्टेबल हील है इसकी, मतलब ग्रिप भी अच्छी आ रही है इसकी हील की, मतलब इसकी जो ग्रिप है और थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है बाकी सारों से। बाकी इसका भी हल्का हल्का पैडिंग है, साइज 36 है, प्राइस था J699 या 799। इसका भी ब्रांड है JM लुक्स, एंड काफी चीज़ों कितनी अच्छी शाइन आ रही है इसको, डे टाइम में पहनो, नाइट टाइम में पहनो, बहुत तरीके से पहन सकते हो, बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो। सो रियली लाइक इट, इट्स ऑन द अफोर्डेबल साइज ऑल्सो, एंड पहनने में भी काफी सुंदर लग रही है। सो काफी अच्छी लगी मुझे ये वाली भी, एंड इससे भी आपको और भी साइजेस मिल जाएंगे। सो गाइस, इस बार ऑल द हील्स दैट आई गॉट, मुझे तो सारी काफी अच्छी लगी। बाकी स्टाइलिश तो है ही, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगी ये मैं नहीं कह सकती, बट स्टाइलिश डेफिनेटली है। सो इसी के साथ गाइस, वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए, एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी कंटेंट फ्रॉम माय साइड। वीडियो में अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।